मैं ये चीज़ नहीं उठा पाऊंगा, मैं ये चीज़ नहीं उठा पाऊंगी बिकॉज आई हैव अ बैक पेन। ये चीज़ हम लोग काफ़ी बार हमारे आसपास के लोगों से सुनते रहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम गौरव फ्रॉम इट्स ऑल अबाउट जर्नी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर सम एक्सरसाइजेस विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट टू रन अवे फ्रॉम योर बैक पेन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनी ऑफ अस कंप्लेन अबाउट बैक पेन। हम जो काम पहले विदाउट बैक पेन कर पाते थे वो काम हम लोग अभी इजिली नहीं कर पाते बिकॉज हमें बहुत सारा बैक पेन होता है, जैसे कि कुछ सामान उठा के यहाँ से वहाँ रखना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना जहाँ पे आपको बहुत टाइम तक बाइक चलाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब ये बैक पेन की वजह से हम लोग कुछ काम कर नहीं पाते तो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, राइट? तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के एक्सरसाइज देखने वाले हैं जो करके आप बैक पेन से रिलीफ पा सकते हो। बट उसके पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बैक पेन के एक्चुअल रीजंस क्या होते हैं। फर्स्ट रीजन ऑफ बैक पेन इज फिटनेस लेवल। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आपके बैक पेन का सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपके स्टमक और बैक के मसल स्ट्रांग नहीं है, वो मसल फिट नहीं है, तो आपके स्पाइन को वो सपोर्ट नहीं कर पाते और उसकी वजह से आपको काफ़ी बार बैक पेन हो सकता है। और अल्सो अगर आप काफ़ी दिन बाद जिम जा रहे हो और जिम में जाके आप कुछ हेवी लिफ्टिंग कर ले रहे हो, जैसे कि बैक की एक्सरसाइजेस, डेड लिफ्ट कर रहे हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको बैक पेन हो रहा है। सेकेंड वन इज़ फैट गेन। अनहेल्दी डाइट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक और कैलोरी इनटेक की वजह से काफ़ी बार आपके बॉडी पे वेट बढ़ जाता है और वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके बैक पेन का। थर्ड रीज़न कैन बी जॉब रिलेटेड रिस्क फैक्टर। अगर आपके जॉब में ऐसी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हो जहाँ पे हेवी लिफ्टिंग, पुशिंग पुलिंग या फिर बॉडी की ट्विस्टिंग करनी पड़ती हो, तो ये आपके बैक पेन का एक रीज़न हो सकता है। या फिर नहीं तो आप आईटी में, नहीं तो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हो तो और आपको सीटिंग काम करना पड़ता हो, तो आपके बैड पोस्चर की वजह से भी आपको बैक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फोर्थ रीज़न कैन बी स्ट्रेस लेवल। अगर आपको हमेशा एनजाइटी और डिप्रेशन या फिर स्लीप के इश्यूज होते हैं तो ये आपके बैक पेन का एक रीज़न बन सकता है और इससे आपको सीवियर और लंबे समय तक बैक पेन हो सकता है। फिफ्थ रीज़न कैन बी एज। एज के साथ आपके मसल्स वीक होना स्टार्ट होते हैं और उसी के साथ बोन्स भी वीक होते हैं, तो उसके कारण आपको बैक पेन हो सकता है। अगर आपकी एज 45 नहीं तो उसके ऊपर है तो आपको बैक पेन की शुरुआत हो सकती है। सिक्स्थ रीजन कैन बी हेरिडिटी। जेनेटिक्स प्ले सुपर इंपॉर्टेंट रोल इन सम डिसऑर्डर्स समथिंग लाइक बैक पेन। तो ये 6 रीजन थे जिससे आपको बैक पेन हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी रीजन की वजह से आपको बैक पेन हो रहा है तो आपको उसको क्योर करने की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज फॉलो करनी है और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। तो इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो करके आप बैक पेन को क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ब्रिज एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज सुपर गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लोअर बैक मसल्स। उसी के साथ साथ ये हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड लोअर एब्स के ऊपर भी काम करता है। सेकेंड एक्सरसाइज इज कैट काउ स्ट्रेच। कैट काउ स्ट्रेच कैन इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर स्पाइन मसल्स एंड दैट्स गोना प्रिवेंट यू फ्रॉम बैक पेन। ड्यूरिंग कैट काउ स्ट्रेच इट एक्टिवेट्स द टेलबोन एंड इट रिलीज द टेंशन बिटवीन योर अपर बैक एंड योर नेक। थर्ड एक्सरसाइज इज चाइल्ड्स पोज। चाइल्ड्स पोज में आपके स्पाइन को स्ट्रेचिंग मिलती है और इससे आपका लोअर बैक का पेन रिलीफ हो सकता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ योर मसल्स, योर जॉइंट्स एंड डिस्क इन द बैक। फोर्थ एक्सरसाइज कैन बी बर्ड डॉग एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज सुपर गुड फॉर योर कोर स्ट्रेंथ एंड इट्स गोना इंप्रूव योर स्टेबिलिटी। फिफ्थ एक्सरसाइज इज सीटेड फॉरवर्ड बैंड। सीटेड फॉरवर्ड बैंड्स करने से हमारे लोअर बैक को स्ट्रेंथनिंग होती है और इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। सिक्स्थ एक्सरसाइज इज सुपर गुड विच इज कोबरा पोज। कोबरा पोज हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पूरा स्पाइन स्ट्रेंथनिंग होता है और इससे आपके लोअर बैक के प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ सिंपल कार्डियो एक्सरसाइज भी है, जैसे कि वॉकिंग और साइकिलिंग, ये करके भी आप बैक पेन से बहुत अच्छे से रिलीफ पा सकते हो। बट वही चीज़ है कि आपको ये लॉन्ग टर्म तक और कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। तो ये हो गई सारी एक्सरसाइजेज जिससे आपको बैक पेन का रिलीफ मिल सकता है। बट एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, हर एक एक्सरसाइज करते हुए आपको फोकस करना होगा, कोई भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका मसल नहीं तो कोई जॉइंट पेन कर रहा है तो उसी मूवमेंट पे रुक जाइए और प्रोफेशनल हेल्प लेना मत भूलिए। और ये सब कुछ करके भी अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है ताकि आपको सिर्फ बैक पेन ही नहीं कोई भी टाइप का पेन ना हो, तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन और हिट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज विच इज इट्स ऑल अबाउट जर्नी। आवर टीम विल बी गेटिंग इन टच विद यू टू सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इसमें की टिप्स एंड एक्सरसाइजेस आपको हेल्पफुल रहेगी, और आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर फेसिंग इश्यूज ऑफ बैक पेन और एनी पेन इन देयर बॉडी सो दैट दे कैन गेट रिलीफ। Also hit the like button and subscribe to our channel so that we can make more amazing video for you guys. Till then, happy workout.